बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा केंद्र के बैरक में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि घर की खिड़की से नीचे गिर जाने के दौरान एक कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं मृतक जवान को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। देखिए इस रिपोर्ट में। खरगोन के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा केंद्र बल के एक CISF कांस्टेबल की दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल करीब एक वर्ष से कमल सिंह CISF RTC बड़वाह में कांस्टेबल की पोस्ट पर पदस्थ थे। शनिवार रात प्रतिदिन की तरह अपने कमरे में सो रहे थे। इस दौरान जब सुबह करीब 4 बजे मृतक के दोस्त योगेंद्र कमल सिंह को उठाने गया तो कमल सिंह अपने बिस्तर पर नहीं थे। तभी योगेंद्र ने तुरंत अपने अन्य दोस्तों को इस बात की सूचना दी। सूचना पर कुछ दोस्तों ने मृतक कमल सिंह को आसपास तलाश करने का प्रयास किया तो कमल सिंह बैरक स्थित नाली में गिरा मिला, जिसकी सूचना दोस्तों ने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर घटनास्थल पर बुलाया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तहकीकात कर मृतक को PM के लिए बड़वा शासकीय अस्पताल भेजा, जहां PM करने के पश्चात मृतक कमल सिंह को CISF के टाइगर ग्राउंड ले जाया गया, जहां DIG हेमराज गुप्ता की उपस्थिति में समस्त स्टाफ ने ससम्मान उन्हें अंतिम विदाई दी। CISF में थाने में सूचना मिली थी कि एक आरक्षक है अजय करके, उन्होंने सूचना दी थी कि रात में सुबह 4:30 बजे जोगिंदर करके जवान है, उसने बताया कि कमल सिंह नाम का जवान जो है CISF का, वो बिस्तर पे नहीं है। फिर ये लोग वहाँ गए, इन्होंने जाके देखा, चेक किया तो वो बेरेट में नहीं था, पीछे जाके देखा तो नाली में गिरा हुआ था। इन लोगों ने जाके उसको उठाया, सिर में से थोड़ा ब्लड निकल रहा था, उठा के फिर अस्पताल ले गए CISF के, जहाँ बताया डेथ हो गई। देखते हैं जाँच में पता चलेगा और चीज़ें सामने आएगी, PM रिपोर्ट से क्लियर होगा। कुल मिलाकर सम्मान के बाद मृतक के शव को उनके निवास पैतृक गांव भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।